तो देखिए, बहुत यहाँ पे मुद्दा निकल के आ रहा है कि आधार कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर कैसे लिंक। आप ऐसे सर्च करेंगे आधार कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें, तो आपको बहुत वीडियो मिल जाता है और वहाँ पे कोई भी आपको जेन्युइन तरीका नहीं बताता है कि आपको आधार कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है या लिंक करना है। अगर आप आधार कार्ड के UIDAI के पोर्टल पे आकर लॉग इन करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट में आपको मोबाइल नंबर अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। इस वीडियो में हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि आप घर बैठे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। तो आप बहुत वीडियो देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताएंगे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है या थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको जेन्युइन तरीका बताएंगे कि आप घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल से यह काम अच्छा रहा होगा, जो आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे घर बैठे वो काम होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताते हैं, एम आधार के बारे में। अगर एम आधार आपके पास है तो मोबाइल नंबर है पुराना हो गया है, अगर वो मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो एम आधार के थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो आपको न्यू मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो न्यू मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपल से आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। उस ऐप का नाम है इंडिया पोस्ट। ठीक, इंडिया पोस्ट आप जैसे ही सर्च करेंगे, इंडिया पोस्ट के एक ऐप निकल के आता है, पोस्ट इन्फो। ठीक, तो सिंपल से आपको यहाँ पे पोस्ट इन्फो पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पोस्ट इन्फो का एक ऐप देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको उस ऐप को ओपन करना है। सिंपल से हम यहाँ पे ढूंढ रहे आगे बढ़ते हैं, तो पोस्ट इन्फो का कुछ इस तरह से आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट। सिंपल से सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेम एड्रेस। यहाँ पे आपको अपने जहाँ पे आपका घर है, सिंपल से आपको उस अनुसार यहाँ पे फुल एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपका नेम फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सर्विस में। सर्विस पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में यहाँ पे मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विस और IPB जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है IPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अदर सर्विस, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आधार सर्विस। सिंपल से आधार सर्विस आपको सेलेक्ट करना है। आधार सर्विस सेलेक्ट करने का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेलेक्ट अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो सिंपल से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपडेट चूज करना है। नहीं तो आप 5 साल के बच्चे से नहीं 5 साल 0 से लेकर 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करना है। सिंपल से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं अपडेट का, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट OTP। सारा डिटेल्स फटाफट यह फिल करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं तो जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किए होंगे, सिंपल से उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। सिंपल से वो OTP आपको इसमें फिल कर देना है। OTP फिल करने का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट। सिंपल से कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है। इस रेफरेंस नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी कर लेना है, क्योंकि यह रेफरेंस नंबर से आपको यहाँ पे हमेशा ट्रैक करते रहना है कि आपका स्टेटस कहाँ तक है। तो यह रेफरेंस नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ट्रैकिंग की बात करते हैं तो ट्रैकिंग पे यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रैक टू योर रिक्वेस्ट। सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे फैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है। सिंपल से उस पोस्ट ऑफिस में आपका रिक्वेस्ट चला गया, और यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर आपके पोस्ट ऑफिस से यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग था वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव करने के बाद आपके घर पे खुद इंडिया पोस्ट पेमेंट इंडिया पोस्ट का मतलब कि कोई व्यक्ति आएंगे, और वहाँ पे आने के बाद आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। अगर आप चाइल्ड इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो मतलब आपके बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड बनाएंगे। तो यही कुछ हमारा प्रोसेस होता है घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो कुछ इसी तरह से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सेंटर भी विजिट करना पड़ता है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए। ये जो हमारा होता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, या तो आप मतलब कि घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको सेंटर पे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा मान के चलिए कि लिमिट, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो इस पे हम एक वीडियो देने वाले हैं एकदम जेन्युइन रूप से कि आप इसको कैसे सुधारेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले, तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना है।